साकाष्ठा सा परागति, वो सबसे सूक्ष्मतम है, परम सूक्ष्म है, पराकाष्ठा है वो सूक्ष्मता की। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। तो ये गूढ़ात्मा कर लो, गूढ़ोत्मा की जगह ना। एष सर्वेषु भूतेषु, तो ये जो ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, ये ही सभी प्राणियों में गूढ़ात्मा छिपा हुआ है, ये न प्रकाशते, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही छिपा हुआ है सब में, वही व्याप्त है। दृश्यते तो अग्र्य बुद्ध्या, बोले दिखाई कभी भी नहीं देता है क्या? बोले नहीं देता तो है, तो कब दिखाई देता है? अग्र्य बुद्ध्या, अग्र्य बुद्ध्या मतलब सूक्ष्मया बुद्ध्या, बहुत सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देता है वो। और कौन देखते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मया बुद्ध्या दृश्यते। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं, जो लैब में होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, साइंस की चीजें देखते हैं ना, अमीबा को किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं। तो यहाँ भी कहा सूक्ष्मदर्शी भी, यहाँ सूक्ष्मदर्शी का मतलब है ऋषियों के द्वारा, जो सूक्ष्म को देखने वाले ऋषि हैं उनके द्वारा सूक्ष्मया अग्रह बुद्ध्या दृश्यते, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, तीव्र बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा ही उसको देखा जा सकता है। माने बुद्धि को ना बिल्कुल एकदम ऐसे फोकस कर देते हैं। तो पीछे भी आया था ना कि शरीर से इस आत्मा को या ब्रह्म को अलग कैसे करें, तो तूलिका का उदाहरण आया था ना, बहुत कुशलता से जैसे उसको कुश की उसको दूर करते हैं, ऐसे इसको शरीर से अलग किया जाता, बिल्कुल चिपका ही रहता है ना वो उसके साथ, तो यत्न पूर्वक उसको थोड़ा सा उखाड़ा जाता है पहले, फिर उसको बहुत आराम से ऐसे उस तार को निकाला जाता है, नहीं तो टूट जाएगा तार। तो ऐसे ही आत्मा को बहुत कुशलता से इस शरीर से अलग करके देखा जाता है। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी ऋषि हैं वो ही कुशाग्र बुद्धि से, इसलिए अध्यात्म के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सबसे ऊंची उत्कृष्ट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। स्थूल बुद्धि वाला परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अत्र पुरुष आत्मा इति, यहां पर जो पुरुष कहा, यहां पुरुष से मतलब क्या है? आत्मा। शब्दाभ्याम परमात्मना प्रकरणम अस्ति इति स्पष्टम भवति। ये कैसे पता लगा पुरुष का मतलब आत्मा? तो बोले यहाँ पर जो शब्द हैं उनके द्वारा परमात्मना प्रकरणम अस्ति इति, शब्दों के द्वारा परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है ये स्पष्ट है। कौन से शब्दों के द्वारा? अशब्दम स्पर्शम आदि जो शब्द है ना, इनसे पहले परमात्मा का ही प्रकरण चल रहा है। जैसे अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम तस्य परमात्मनो जड़त्व निवारणार्थः, ये जो कहा वहां पर 3:15 कठोपनिषद में कि वो परमात्मा कैसा है, अशब्दम अस्पर्शम इत्यादि कथनम, माने इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे, उन विषयों से वो पृथक है, ये जो कथन है तस्य परमात्मा ने जड़त्व निवारणार्थ, ये उस परमात्मा की जड़ता को हटाने के लिए कहा गया है। कि जैसे जो जड़ चीजें हैं उनका शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि कुछ होता है, ऐसा परमात्मा में नहीं है, तो वो उनसे अलग है, उसके गुण नहीं है, तो इसका मतलब वो उनसे अलग है। यह तो ही शब्द स्पर्श आदि गुणा जड़स्य धर्मा भवंती, क्योंकि शब्द स्पर्श आदि ये धर्म किसके हैं? जड़ पदार्थों के। महत परम कथनम महत परिमाणवत प्रकाशात सॉरी पदार्थात आकाशादपि पर, महत परम कथनम, महत महतत्व से, परम महतत्व से वो परे है, ये जो कथन है ये महत परिमाणवत। हमने ऊपर क्या किया था, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, महत परम का अर्थ क्या किया था? महतत्व से परे, माने महतत्व से सूक्ष्म। बोले नहीं ऐसा अर्थ नहीं है, और महत परम का अर्थ क्या है? महत परिमाणवत पदार्थात आकाशाद अपि पर, जो महत परिमाण वाले पदार्थ हैं आकाश आदि, उन पदार्थों से भी वो परे अर्थात सूक्ष्म है।
महत परिमाण वाले आकाश आदि जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों से भी पर, उनसे भी सूक्ष्म परमात्मा अस्ति इति दर्शयति, उनसे भी सूक्ष्म परमात्मा है ये शास्त्र दिखा रहा है। यथा ही वेदे निर्दिश्यते, जैसे कि वेद में भी निर्देश किया, त्वमस्य पारे रजसो व्योम्नः, हे ईश्वर तुम अस्य रजसो व्योम्नः पारे, रजस मतलब पृथ्वी आदि जो लोक लोकांतर हैं और व्योम मतलब आकाश, आप ये पृथ्वी और आकाश आदि जो लोक लोकांतर हैं इनसे भी पारे, इनसे भी आप परे हैं, इनसे भी सूक्ष्म हैं। मृत्यु मुखात प्रमोक्षो अपि परमात्म ज्ञानादेव भवति इति, और मृत्यु के मुख से प्रमोक्षण भी कब हो सकता है, परमात्मा के ज्ञान से ही। जब तक कोई उस ब्रह्म को नहीं जान लेता तब तक तो मृत्यु के मुख में वो जकड़ा ही हुआ है, बंधन से ही युक्त है। तो मृत्यु मुखात प्रमोक्षो अपि परमात्म ज्ञानादेव भवति इति वैदिक सिद्धांतो वेदे सूच्यते, इस वैदिक सिद्धांत को ही वेद में सूचित किया गया है। वहां पर क्या कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, उसको मैं जानता हूं, उस पुरुष को, किस पुरुष को, महांतम आदित्यवर्णम तमस परस्तात तम एव विदित्वा, क्योंकि उसको जान करके ही, उसको जान करके ही अति मृत्युम एति, मृत्यु से अतिक्रमण हो सकता है, दुखों से छुटकारा हो सकता है, उसको जाने बगैर नहीं हो सकता। न अन्य पंथा विद्यते आयनाय, इसको छोड़ करके अन्य और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसको पाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है दुखों से छूटने का, तो उसको जानना ही पड़ेगा। तस्मात् परमात्म एव ज्ञेयत्वेन उपादीयते मोक्षार्थम इति सिद्धम्, इसलिए व्यक्ति को मुक्त होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, सर्वथा छूटने के लिए परमात्मा एव ज्ञेयत्वेन उपादीयते, उस परमात्मा को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि वो ही ज्ञेयत्व के रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। मोक्षार्थम इति सिद्धम्, इसलिए मोक्ष के लिए परमात्मा को ही ज्ञेयत्व के रूप में बताया गया है, वो ही जानने योग्य है। तो इससे भी क्या पता लगा, ज्ञेय होने से सूक्ष्म प्रकृति ज्ञेय नहीं है बल्कि परमात्मा ही ज्ञेय है, और जो ज्ञेय होता है वो ही इस जगत के जन्म आदि का कारण होता है। आगे कहा, त्रयाणामेव चैवम उपन्यास प्रश्नश्च, त्रयाणाम चैवम करें, अच्छा जो आपने कहा ना ये अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, ये जो गुण हैं ये तो मूल प्रकृति में भी घटित होते हैं, ऐसे जो कहा तो बोले मूल प्रकृति में नहीं है, तो तीनों में ही घटित होते हैं। त्रयाणाम एव चै, ये तो ईश्वर जीव प्रकृति तीनों में ही घटित होते हैं, तीनों ही क्या है, अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय अरस और अगंधवत अनाद्य अनंतम महता पर्वम ध्रुवम, तो ये सारे के सारे गुण तीनों में ही घटित होते हैं। त्रयाणामेव, त्रयाणामेव च एवं उपन्यास प्रश्नश्च, तो बोले ये जो वर्णन है, जो अशब्द वाला जो लिया था, ये वास्तव में कठोपनिषद में क्या चल रहा है, उपन्यास प्रश्नश्च, उपन्यास मतलब उत्तर, उत्तर और प्रश्न के रूप में चल रहा है ये वर्णन, उपन्यास वर्णन उपदेश। तो यम तो वहां पर उपदेश कर रहे हैं, उपन्यास कर रहे हैं, और नचिकेता वहां पर प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्न उत्तर का या प्रश्न उपदेश का वहां पर प्रसंग चल रहा है। तो ये जो है प्रसंग परमात्मा का चल रहा है वास्तव में, वहां पर जो प्रश्न उत्तर चल रहा है, तो इसलिए ये गुण यद्यपि जीवात्मा में भी घटित होते हैं, अशब्दादि और परमात्मा में भी घटित होते हैं और मूल प्रकृति में भी घटित होते हैं, पर वहां पर जो प्रश्न चल रहा है प्रश्नोत्तर का, वहां जीव और प्रकृति की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि नचिकेता किसके बारे में जानना चाह रहा है,
उसके तीन प्रश्न थे। तो तीन प्रश्नों में एक तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा था कि मेरे पिताजी शांत हो जाएं, और दूसरा प्रश्न उसने स्वर्ग अग्नि के बारे में पूछा था कि भाई वो स्वर्ग में पहुंचाने वाली अग्नि कौन सी है, तो वहां भी प्रकृति का वर्णन नहीं है। और तीसरा जो प्रश्न था वो था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो कहीं वहां प्रकृति का तो नामो निशान ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर अगर आप कहो अशब्दम स्पर्शम, ये जो यम, ये तो यम का उपन्यास है ना नचिकेता के लिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये उसका, तो बोले वहां पर प्रकृति का तो ग्रहण हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रकरण ही नहीं चल रहा, और जीवात्मा का भी नहीं हो सकता क्योंकि जीवात्मा तो खुद ही प्रश्न कर रहा है। तो वहां पर ये जो उपन्यास प्रश्न आदि है इसमें यद्यपि तीनों का ही ग्रहण हो सकता है, जो लक्षण वो तीनों पे ही घटित होते हैं, लेकिन तो भी वहां पर जो वर्णन चल रहा है प्रकरण वो परमात्मा का ही चल रहा है। एवं च त्रयाणामेव प्रश्न उपन्यास च तत्र पूर्वोदाहृते अशब्दम स्पर्शम महतः परम, जो पहले हमने उदाहरण दिया था अशब्दम स्पर्श वाला, इति वचने अव्यक्तम प्रधानम स्वीक्रियते स्वीक्रियेत तर्हि कथम न तत्र एव कथम न त्रय एव ईश्वर जीव प्रकृतिश्च पदार्थ स्वीक्रियेरन। बोले जब आप उस वर्णन से प्रधान को स्वीकार कर रहे हैं तो वहां तीनों को ही स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लक्षण तो तीनों में ही घटित हो रहे हैं ईश्वर जीव प्रकृति में, तो अकेले इसको प्रकृति को ही क्यों ले रहे हैं आप। यदा त्रयोपि सामान्य धर्मेण शब्दादि विहीना, क्योंकि सामान्य रूप से तीनों ही क्या है शब्द स्पर्श आदि से विहीन है, और महतश्च परा, और महतत्व से माने महत परिमाण वाले जो जो पदार्थ हैं उनसे वो परे हैं अर्थात सूक्ष्म हैं, पराह माने सूक्ष्म संति। त्रयाणाम एव प्रश्नेन प्रति निर्देशनेन च भवितव्यम्। तो बोले ये तीनों का ही जो है वो जो प्रश्न पूछ रहा है, और जो प्रतिनिर्देश माने उत्तर प्रत्युत्तर जो दिया जा रहा है, उत्तर जो दिया जा रहा है, त्रयाणाम एव प्रश्नेन प्रति निर्देशनेन च भवितव्यम्। वो वहां जो प्रश्न उत्तर चल रहा है और उस उत्तर में जो ये अशब्दम अस्पर्शम कहा जा रहा है यमाचार्य के द्वारा, तो ये प्रश्न उत्तर का जो प्रसंग हो तो तीनों पे घटित होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः न अत्र तथा प्रसंग है, लेकिन वास्तव में वहां पर ऐसा प्रसंग नहीं है कि तीनों का कहा जा रहा हो। प्रसंगस्तु परमात्मा ने एव अस्ति, क्योंकि प्रसंग वहां पर किसका चल रहा है, केवल परमात्मा का चल रहा है। तस्मात् स एव अत्र ज्ञेय, इसलिए वही परमात्मा ही यहाँ पर ज्ञेय है इस प्रकरण में। अथ अपरो व्याख्या मार्गे, तो ये तो एक व्याख्या हुई इस सूत्र की, अब दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। त्रयाणाम एव च एवं प्रश्न उपन्यास च, त्रयाणाम का अर्थ इन्होंने क्या कर दिया, तीन प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तीन ही किए थे उन्होंने और उपन्यास तीन का ही दिया था, तो उन तीनों प्रश्न और उत्तर में वहां पर परमात्मा का ही वर्णन चल रहा है, मूल प्रकृति का प्रकरण ही नहीं है वहां पर, तीनों ही प्रश्नों में कहीं भी मूल प्रकृति आती ही नहीं है। अत्र कठोपनिषदि नचिकेतस वर विषयक प्रश्न यमस्य च उपन्यास कथन विन्यास प्रतिवचन क्रमश्च त्रयाणाम संबंधो संबंधे, अर्थात प्राण रूपे पितरी अहम आत्मके अग्ना अहम ज्योतिषी परमात्मनि च इति तेषां विषये प्रश्न समाधानम च विद्यते। करें यहाँ पर कठोपनिषद में, अत्र कठोपनिषदि नचिकेतस, जो नचिकेता है वो वर विषयक प्रश्न, वो वरदान के रूप में वर विषयक प्रश्न पूछता है, तीन वरदान उसने कहा ना मांग लो, तो वो तीन प्रश्न पूछता है। यमस्य च उपन्यास, और यम उसका उत्तर दे रहा है उसके प्रश्नों का। उपन्यास कोई कह दिया, कथन विन्यास उसके कहने का ढंग, उसी को कहा प्रतिवचन क्रमश्च, प्रतिवचन क्रमश्च माने प्रत्युत्तर,
तो वो जो प्रतिवचन क्रम है या कथन विन्यास है या उपन्यास है वो त्रयाणाम संबंधी, वो उन तीन प्रश्नों के संबंध में कहा गया है, उत्तर दिया गया है। अर्थात प्राण रूपे पितरी, प्राण के रूप में जो उत्तर दिया वो तो पिता के लिए दिया है, और अहम आत्म के अग्नौ, अहम ज्योतिषी, ये नचिकेता के लिए, जीवात्मा के लिए कहा गया है, और परमात्मनि च इति, और तीसरा जो अशब्दम अस्पर्शम आदि है वो परमात्मा के लिए, परमात्मनि च इति तेषां विषये प्रश्न, और तीसरा परमात्मा के विषय में प्रश्न है, और समाधानम च विद्यते, और तीन ही उन्होंने फिर समाधान दिए हैं। तो ये तीन प्रश्न उन्होंने पूछे, तीन समाधान दिए, तो उसको दिखा रहे हैं अभी, ये तीन प्रश्न दिखाए, अब तीन उत्तर दिखा रहे हैं, समाधान दिखा रहे हैं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गोत्तमो मा अभिमृत्यो, ये इति प्रथम प्रश्न है। उसका पहला प्रश्न क्या था कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं, सम के ऊपर जो बिंदी है उसको हटा लो, मैं आई गए ना आगे, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु, मेरे पिता जो गौतम हैं वो वीतमन्यु हो जाएं, पहले मैं आया तब तो मन्यु से युक्त थे, वो क्रोधित थे, अब मैं जब जाके उनसे मिलूं तो वो मुझे क्रोध रहित मिलें, और जैसे वो पहले शांत संकल्प वाले और सुंदर मन वाले थे वैसे ही अब जाने जाने पर भी मेरे को मिले, ऐसे उन्होंने मृत्यु हो ये संबोधन है, हे मृत्यु ऐसा कोई आप मुझे उपाय बताइए। इति प्रथम प्रश्न, ये प्रथम प्रश्न था, ऐसा वरदान दीजिए। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औद्यालकी आरुणी मत प्रसृष्ट मेरे से छूटा हुआ, मत माने मृत्यु से, मुझ मृत्यु से वापस आया हुआ, जब तेरा पिता तुझे देखेगा तो यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, हे औद्यालिकी, उद्दालक के पुत्र, औद्यालिकी अरुण के पुत्र, आरुणी, ये नचिकेता के लिए संबोधन है, औद्यालिकी आरुणी मत प्रसृष्ट, मेरे से छुटा हुआ, जब तेरे पिता तुझे देखेंगे मृत्यु से वापस आए हुए को, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, तो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, माने शांत हो जाएंगे, ये वरदान दिया उसको। इति तस्य प्रथमस्य समाधानम्, तो ये तो उसके प्रथम प्रश्न का समाधान किया, और दूसरा क्या था, सत्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तम शद्दधानाय मह्यम्। उन्होंने कहा था, हे मृत्यो त्वम स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि, तुम स्वर्ग की अग्नि को जानते हो, उसको तुम पढ़ रहे हो आजकल, उसको तुम जानते हो, तो हे मृत्यो प्रब्रूहितम, उस अग्नि के बारे में मुझे बताइए, तम शद्दधानाय मह्यम्, मैं कैसा हूं, श्रद्धावान हूं, ऐसे श्रद्धा से युक्त मुझ शिष्य को आप उस अग्नि के बारे में बताइए जो स्वर्ग में ले जाने वाली अग्नि है, उसके बारे में बताओ, क्योंकि आप उसको जानते हो, क्योंकि स्वर्ग में कौन लेके जाता है, मृत्यु, जीते जी स्वर्ग नहीं मिलता है ना, स्वर्ग में कब जाते हैं, स्वर्गवासी हो गया ये कब कहा जाता है, जीते जी तो किसी को नहीं कहा जाता कि वो स्वर्गवासी हो गया, मरने के बाद कहते हैं ना, तो स्वर्ग कब मिलता है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद मिलता है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्वर्ग की अग्नि को तो आप ही जानते हो, उस स्वर्ग में ले जाने वाली कौन सी अग्नि उसको आप ही जानते हो, क्योंकि स्वर्ग में आपके अलावा तो और किसी की एंट्री है नहीं, जीते जी कोई आ नहीं सकता है स्वर्ग में, और इसका आप आध्यात्मिक अर्थ करेंगे यदि आप कहेंगे कि स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष, तो वो सुख विशेष भी कब मिलता है, जब अपने क्षुद्रमय की मृत्यु हो जाती है, अहंकार की जब मृत्यु हो जाती है तब ही तो सुख विशेष मिलता है, माने कोई कहेगी जी स्वर्ग नरक सब यही है, तो स्वर्ग का मतलब है जिस व्यक्ति की बहुत यश है, कीर्ति है, सम्मान है, बहुत उसके पास ऐश्वर्य है, धन है, ज्ञान है, इसी का नाम स्वर्ग है, तो ये स्वर्ग भी कब मिलता है, आपा मारने से, जीते जी नहीं मिलता है,
जीते जी मतलब अहंकार के जिंदा रहते ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो एक तरह से वो व्यक्ति अपने आप को जब मार देता है तब ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप उस स्वर्ग की अग्नि को जानते हैं, स त्वम वह तुम स्वर्गम अग्निम अध्येशी मृत्यु हे मृत्यु, उस स्वर्ग की अग्नि को आप जानते हैं, इसलिए प्रब्रूहितम वो मुझे बताइए, मुझ श्रद्धावान के लिए, क्योंकि मेरी श्रद्धा में उसको जानना चाहता हूँ। इति द्वितीय प्रश्न, ये उसका दूसरा प्रश्न था। तो उन्होंने कहा प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम निहितम गुहायाम। ठीक है, ते प्रब्रवीमि, मैं उसके बारे में तुझे बताता हूँ, प्र आकर के ब्रवीमि के साथ जुड़ जाएगा। ते प्रब्रवीमि तद उ मे निबोध, उसको तू निश्चित रूप से मुझसे जान, मैं ही जानता हूँ उस स्वर्ग अग्नि को, उसको तू मेरे से जान। तो वो उसके बारे में बताया, वो अग्नि कहाँ रहती है, निहितम गुहायाम, वो अग्नि गुहा में निहित है, तो उसको तू मुझसे जान। इति तस्य समाधानम, ये उसका समाधान था। और तीसरा क्या था, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम्। तीसरा प्रश्न उसने पूछा था, यम प्रेते, जो यहां से चले जाते हैं इस जगत से, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके बारे में विचिकित्सा, एक जिज्ञासा है, एक संशय है मेरे मन में, मनुष्य ये मनुष्य यम प्रेते, जो मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं, तो वो मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके, कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा तो रहता है, मरता नहीं, और कुछ कहते हैं कि नहीं रहता है, सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं कि केवल शरीर समाप्त होता है, अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो इसके बारे में तो आप ही जानते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है वो कौन जानेगा, मृत्यु ही जानेगा, तो और कोई बता नहीं सकता है। एतद् विद्याम, तो ये मुझे बताओ, अनुशिष्टः त्वया अहम्, मैं आपके द्वारा अनुशिष्ट, अनुशासित हूं, मैं आपका शिष्य हूं, माने मैं आपकी शरण में हूं, जैसा आपने मेरे को विधान बताया वैसे मैंने किया है सब। मैं 3 दिन तक यहाँ बिना खाए पिए आपके गर्भ में रहा हूँ। तो एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम्, मैं आपके द्वारा अनुशासित हूँ, आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे बताइए। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात यत तत् पश्यसि तद्वद। और कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अन्यत्र धर्मात, धर्म के कारण अन्यत्र गति होती है, और अन्यत्र अधर्मात, अधर्म से अन्य गति होती है। यत तत् पश्यसि, तो उसको तो तुम जानते हो, तद्वद, वो मुझे बताइए आप कि धर्म और अधर्म का क्या विधान है, कहाँ जाते हैं, तो ये सब आप मुझे बताइए। इति तृतीय प्रश्न, ये उसका तीसरा प्रश्न था। तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, पूरा करो, तपांसि सर्वाणि च यह तपन्ति यदिच्छन्तं ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण वदामि ओम इति एतत् ब्रवीमि। तो उत्तर ये दिया था कि सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, जिस पद को सब वेद कह रहे हैं और जिसको जानने के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का धारण करता है और सब इच्छाओं को मार देता है, वो पद मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, ओम इति एतत्, वो ओम है, ओंकार है। तो यहाँ किसका वर्णन किया जा रहा है, ब्रह्म का, दूसरे प्रश्न के उत्तर में स्वर्ग अग्नि का, और पहले प्रश्न के उत्तर में उनके पिता के शांत होने का। तो यहाँ कहीं मूल प्रकृति का तो वर्णन आया ही नहीं ना प्रकरण में। तो ये जो उत्तर दिया था इन्होंने कि वो ब्रह्म कैसा है, जिसको सब वेद, सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, वो कैसा है, तो वो ऐसा है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। तो ये प्रसंग किसका चल रहा है, ब्रह्म का चल रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो तीनों ही जो समाधान है, तस्मात् न अव्यक्तम प्रधानम जेयत्वेन उपादीयते,
अत्र अध्यात्म ग्रंथ है। ये जो अध्यात्म ग्रंथों में या अध्यात्म प्रकरणों में जो दिखाई जेयत्व जिसका बताया है, जेयत्व जिसका उत्पादित किया गया है, वो तो ब्रह्म ही है, न कि अव्यक्त का, न कि प्रधान का। तत्र तु अंतिम तृतीय प्रश्न प्रसंगतस्य परमात्मन एव स्वरूपः प्रतिपादन परम वचनम तदुक्तम तद्यदुक्तम। तो ये जो तीसरे प्रश्न के अंतिम प्रश्न के उत्तर में जो अंतिम तीसरा प्रश्न था, वो जो प्रसंग था, उसमें परमात्मन एव स्वरूप प्रतिपादन परम वचनम, वो तो परमात्मा के ही स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है उस उत्तर में। तो प्रतिपादन परम वचनम तद यद उक्तम अशब्दम अस्पर्शम, ये जो हम जिस वचन को लेकर के चले थे, जिसकी हमने चर्चा की थी 5वें सूत्र में, कि ये तो अशब्द आदि तो मूल प्रकृति में भी ये घटित होते हैं, तो क्यों ना हम मूल प्रकृति को ही सबका मूल कारण मान लें। तो बोले नहीं, वो तो नहीं उसको मान सकते हो, क्योंकि वहां जहां का ये शब्द है अशब्दम आदि, ये जो प्रकरण चल रहा है वो तो नचिकेता के 3 प्रश्न हैं और यमराज के 3 उपन्यास हैं। तो प्रश्न उपन्यास का प्रसंग चल रहा है वहां पर तो, और उन तीनों ही प्रश्नों में उन्होंने मूल प्रकृति के बारे में कोई प्रश्न किया ही नहीं, और ना ही उन्होंने उत्तर दिया मूल प्रकृति के बारे में। तो ये सारे ब्रह्म के ही माने जाएंगे, और क्योंकि पूछने वाला जीव है, तो जीव में भी घटित होते हैं यद्यपि ये लक्षण, लेकिन जीव का भी वर्णन नहीं है। तो उस प्रकरण में तो केवल मात्र परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, इसलिए वहां पर अशब्द आदि प्रसंग में किसका ग्रहण होगा, परमात्मा का ही होगा। तो ये फिर कल पढ़ेंगे अगला, आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।